स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस वीडियो में आज हम खत्म करने वाले हैं पूरी 12.1 एक्सरसाइज। टोटल यहां पर 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन 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 उससे पहले आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो जो था वो आपको पूरा देखना है। अगर आपने अच्छे से देखा है तो बिना मेरी हेल्प लिए भी आप 12.1 एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि अब मैंने इसमें सारे बेसिक्स बताए थे। ये आपकी टेबल यहां बनवाई थी जिससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ये कुछ यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखवाए थे। ठीक है, अब नहीं भी आता है तो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी जब क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो ये आपको कह रहा है कि एक आपको, हम 3D चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस हमारा यहाँ पे 3 एक्सिस होगी। एक हमारी एक्स होगी, एक वाई होगी और एक यहाँ पे आपकी जेड होगी। तो हमने जो कहा, मैंने आपको कहा था कि इसमें हम जो लेंगे ये वाई होगा, ये जेड होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ऐसा ही दिया हुआ। तो ये कह रहा है कि एक पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, इस एक्सिस पे आपका पॉइंट है। तो ये कह रहा है कि वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो जब मैंने आपको यहाँ पे बेसिक बताया था तो मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा था कि The coordinates of any point on the x-axis, x-axis पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका y और z पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि यहां पे देखो, जब मैंने आपको ये वाला बताया था, यस ये वाला, तो अगर कोई पॉइंट आपका यहां पर है, जैसे ये P पॉइंट यहाँ पे था, तो हम यहाँ पे कैसे चल रहे थे, P पॉइंट पे आना है तो सबसे पहले हमेशा एक्सिस के अलोंग चलेंगे। पहले एक्सिस के अलोंग चले, फिर Y के अलोंग चले, फिर Z के अलोंग चले, ऐसे ही चले। एक्सिस स्लैंट है तो स्लैंट चले, फिर आप हॉरिजॉन्टल चले, फिर आप Z क्या है वर्टिकल, तो वर्टिकल चले, तो ऐसे चले। लेकिन अब इसके ऊपर ही अगर आपका पॉइंट आ गया तो अब आपको सिर्फ इस पॉइंट के लिए स्लैंट चलना है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं चलना, वर्टिकल भी नहीं चलना। तो जब हॉरिजॉन्टल नहीं चलना, वर्टिकल नहीं चलना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, जीरो जीरो। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x तो होगा y z 0, y पे कोई है तो y होगा लेकिन x z 0 हो जाएंगे, अगर z पे कोई है तो z होगा और x y आपके क्या हो जाएंगे, 0। तो एक क्वेश्चन में मैंने तीनों आंसर बता दिए। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जब हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट और आपका यहां पर जो z कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, वो 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिख लेना है कि इफ अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एंड z आर 0, सो द पॉइंट क्या हो जाएगा, x, 0, 0। अ पॉइंट इज इन द वाई जेड प्लेन, अब ये किसी एक्सिस की बात नहीं कर रहा है, इसने क्या कहा था, यहां पर एक्सिस है, एक्सिस है मतलब यहां पर आ गया। अब इसने कहा कि कोई पॉइंट है जो कि एक्स जेड प्लेन में, तो एक्स जेड देखो ये वाला कौन सा हो गया, इसके ये वाई है, ये जेड है, तो ये आपका यहां पर क्या हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, क्योंकि एक्स और वाई वाली लाइन ही है ना यहाँ पर, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। और ये वाला कौन सा हो गया, तो एक्स और जेड है, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, एक्स जेड प्लेन हो गया। तो आपको ये कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट जो है इस प्लेन के अंदर, एक्सिस के ऊपर नहीं, लेट कि यहां पर कोई पॉइंट है, वॉट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कॉर्डिनेट। तो आपके, आपको ये कह रहा है कि अगर कोई प्लेन, अगर यहां पर कोई एक पॉइंट है जो कि एक्स जेड के प्लेन के बीच में है, एक यहां पर है, ठीक है, तो इसका वाई कॉर्डिनेट क्या होगा, तो इसका वाई कॉर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। यहां पर तो वाई कॉर्डिनेट होगा ही ना, तो क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन में तो वाई का कोई नाम ही नहीं है, जैसे आप 2D में बात करते थे ना यहाँ पे, तो ये आपका एक्स हो गया, ये ओ हो गया, ये वाई हो गया, अभी इसी की बात करते हैं। ये आपका एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पे इसके क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ पे साइन देखते थे, और इसमें हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि अगर ये इस प्लेन में है एक्स जेड में, तो वाई जीरो होगा, वाई जेड में एक्स जीरो होगा, और एक्स वाई में कौन होगा, तो जेड यहाँ पर जीरो होगा, क्योंकि यहां सिर्फ दो की बात हो रही है, तीसरे की यहां पर कोई बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे इफ अ पॉइंट इज इन द एक्जेड प्लेन देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो। तो आप रिलेट करके जब पढ़ोगे ना 2D को 3D के साथ में, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो ये हमने यहां पे समझ लिया, एक्सिस पे जब भी बात होगी तो जिस एक्सिस पे वो पॉइंट होगा, बाकी दो आपके जीरो होंगे। अगर प्लेन की बात हो रही है तो अगर एक्सजेड में है तो वाई जीरो होगा, वाई जेड प्लेन के अंदर है तो एक्स जीरो होगा, और एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो यहां पर आपका जेड पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा। ये समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको 1 मार्क में जरूर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि आपको यहाँ पे बताना ये कौन से ऑक्टेंट में। तो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि 3 प्लेन होते हैं हमारे पास में, एक एक्स होता है, एक वाई होता है और एक जेड होता है। तो ये आपका क्या हो गया, वाई हो गया, ये आपका यहां पर एक्स ले लो, और ये वाला आपका क्या हो गया, जेड हो गया। तो ये इस तरह से 3 प्लेन जब एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर जब इंटरसेक्ट करते तो इस तरह से 8 ऑक्टेंट बनते हैं, 4 ये हो गए और 4 आपके ये नीचे वाले हो गए। यही मैंने आपको समझाया था। तो कौन से
कौन से ऑक्टेंट में, जैसे आपका ये फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं, इसमें कौन पॉजिटिव होगा एक्स वाई जेड, कौन नेगेटिव होगा, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया था। तो ये टेबल भी मैंने आपको यहाँ पे बनवाई थी। तो एक तरीका है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रटने वाले बच्चे होते हैं जो रट लेते हैं, तो ये उनके लिए था। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉजिक से ट्रिक से बात करते हैं, तो हम यहीं पे ट्रिक वाली बात, देखो जिसको लर्न करना है वो तो कर लो, ये बनी हुई टेबल है कि जेड आपका यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ चार में नेगेटिव होता है, फिर ये प्लस प्लस प्लस, इस तरह से जैसे आपकी जैसे आपको समझ में आता है वैसे आप इसको रट लो। लेकिन अब हम बात करते थे ट्रिक, वो ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। तो हमारे पास टोटल 8 ऑक्टेंट होते हैं, तो हम हमारे जो प्लेन होते हैं एक्स वाई, जो हमने 2D वाले अभी तक हम पढ़ के आए जो ग्राफ बनाते थे, उसके पास जाते हैं। ये एक्स एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई वाई डैश हो गया, ठीक है। तो यही 8 जो ऑक्टेंट है वो हम यहाँ पे बना रहे, फर्स्ट सेकेंड, ये आपका थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, ठीक है। अब आपको पता है इसमें क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव है, भाई यहाँ पे वैल्यू रखते हो 1 होता है, फिर 2 होती है, फिर 3, यहाँ पे ऑरिजन 0 हो गया, या -1 होती है, या -2 होती है, -3 होता है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है 1 2, और यहाँ पे वाई क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यही तो वैल्यू है, ये यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो प्लस प्लस हो गया। इधर कौन होता है एक्स, आपका हमेशा पहले एक्स आता है, एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, यही चीजें सारी होती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये 4 ऑक्टेंट मैंने यहाँ बना लिए, और 4 ऑक्टेंट में ये तो ऊपर वाले हो गए, अब नीचे वाले एक और बना लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से चला, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये आपको पता है यहाँ पे आ गए हम वापस चलते चलते, यहां से चले फिर सेकंड में आए, फिर थर्ड में आए, फिर फोर्थ में आए, अब फिर से आपको यहीं पे चलना, फोर्थ के बाद अब ये फिफ्थ यहाँ आएगा, तो मैं ये फिफ्थ में अलग लिख देती, ये फिफ्थ हो गया, ये आपका यहाँ पर सिक्स हो गया, ये नीचे वाले जो हम लिख रहे हैं ये आपका सेवेंथ हो गया, और ये आपका यहाँ पर एट हो गया। तो ये 8 ऑक्टेंट मैंने यहाँ पे बना लिए। तो सिर्फ इतना सा याद रखना है, इसमें जो जेड होता है ना, ये आपका बीच वाला, ये ऊपर वाले में पॉजिटिव होता है और नीचे वाले में क्या होता है नेगेटिव होता है। तो मतलब ऊपर वाले जो ये है, इसमें सभी जगह जेड क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव है, जेड जहां पर की बात हो रही है यहाँ पॉजिटिव होगा, और इसमें जेड जहां पर भी बात हो रही है वो आपका यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो हमें यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ना, तो ये वाले 4 देखने हैं या ये वाले 4 देखने, मतलब 1 2 3 4 देखने हैं या 5 6 7 8 देखने हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, ये आपका जेड डिसाइड करेगा। जेड पॉजिटिव है तो यहां आएंगे, जेड आपका नेगेटिव है तो हम यहां आएंगे, ये तो बात समझ में आ गई। और उसके बाद में ये जो आगे वाले साइन है वो आप यहां पे एज इट इज देख लेना, तो जो साइन यहां पे है प्लस प्लस, तो यहां भी प्लस प्लस है, यहां माइनस प्लस है तो यहां भी माइनस प्लस है, यहां माइनस माइनस है, यहां माइनस माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, वही हमने 2D वाला बनाया है, सिर्फ यहां जेड पॉजिटिव देखना है और यहां पे जेड का नेगेटिव देखना है। अब 1 by 1 देखते हैं। तो सबसे पहला वाला पॉइंट मेरा यहां पर क्या है, आपका है 1 है, 2 है, और आपका यहां पे 3 है। तो आप जेड को देखो, यहां पे जेड क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब अब यहां पे आ गए, कौन से वाले में, पहले 4 ऊपर वाले 4 में आ गए, फिर जेड से हमने पता चल गया कि ऊपर वाले 4 में देखने हैं। अब यहां पे देखो आपका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और z भी पॉजिटिव है, ये कोऑर्डिनेट होते किस तरह से, इस तरह से x हो गया, फिर y हो गया, फिर z हो गया। जैसे 2D में आपका कोई पॉइंट है तो कैसा होता है, x कॉमा वाई होता है ना, तो यहाँ पे x कॉमा वाई कॉमा z होता है। तो z को देख करके हमें आइडिया लग गया कि ये फर्स्ट 4 होंगे, और यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इसका मतलब, यानी कि जब हम 3D की बात करेंगे तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा, यानी 1 2 3 पॉइंट आपका कहाँ पर होगा, तो ये 1 2 3 पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट में आएगा। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे तीनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो लिख लो आंसर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, क्योंकि सारे पॉजिटिव है तो ये सारे कहाँ आएंगे, फर्स्ट ऑक्टेंट में आएंगे। अब सेकंड पॉइंट के पास चलते हैं, 4 -2 और 3, तो फिर से जेड के पास गए, जेड यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ऊपर वाले 4 देखने हैं। अब यहाँ पे एक्स क्या है, पॉजिटिव है, ये एक्स है, ये y है और ये z है, तो z पॉजिटिव इसलिए ऊपर हो गए। अब x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ होता है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, तो z प्लस हो गया, प्लस माइनस प्लस, तो यही है प्लस माइनस प्लस, तो इसका मतलब ये कौन सा ऑक्टेंट हो गया, आपका फोर्थ ऑक्टेंट हो गया। तो आप क्या लिखोगे, इट विल लाइज इन फोर्थ ऑक्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट के पास चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, 4 -2 -5, तो पहले आप यहां जेड के साइन को देखो, ये एक्स है आपका, ये वाई है और ये जेड है, तो जेड यहां पर क्या है, नेगेटिव है, जेड नेगेटिव है मतलब ये नीचे वाले 4 होंगे, कौन से, 5 6 7 8 होगा, तो ये नेगेटिव है। उसके बाद एक्स वाई के पास चलेंगे, तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहाँ होता है, तो ये आपका फिर से कहाँ होता है, इस वाले में, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ये कौन सा आपका ऑक्टेंट हुआ, 8th ऑक्टेंट हुआ, क्योंकि
प्लस माइनस और माइनस, जेड सभी जगह यहाँ पे नेगेटिव होगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इसका मतलब ये कौन सा ऑक्टेंट हो गया आपका यहाँ पर, एट हो गया। तो बस इसके आगे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 5, 6, 7, 8, तो ये आपका कौन सा आएगा, 8 ऑक्टेंट के अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट वाला यहाँ पे देखो 1, 2, 3 हो गए, अब फोर्थ वाला देखो, तो यहाँ पे फोर्थ वाला क्या है, 4, 2, -5 है, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, जेड नेगेटिव है, जेड नेगेटिव मतलब 5, 6, 7, 8 इन चार में से कोई होगा। फिर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव कहाँ होता है, फिफ्थ ऑक्टेंट में होता है, क्योंकि हमने यहां से देख लिया कि भाई ये नीचे वाले चार की हम बात कर रहे हैं, तो फिफ्थ ऑक्टेंट में आपका ये दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, तो कौन सा ऑक्टेंट हो गया आपका यहाँ पर, ये फिफ्थ ऑक्टेंट हो गया। तो लिख लो भाई यहाँ पे फिफ्थ ऑक्टेंट, तो बस इतना इजीली आप इसको समझ जाओगे, सिर्फ ये चार बनाने और उसके बाद में तो आपको यहाँ पे एक में जेड पॉजिटिव रखना, एक में जेड नेगेटिव रखना है, तो दिमाग में रख लो जेड पॉजिटिव मतलब 1, 2, 3, 4 देखना है, जेड नेगेटिव मतलब 5, 6, 7, 8 वहां पे देखना है, और ये बाकी के ये साइन तो आपको लगाने आते ही है। नाउ नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे फिफ्थ वाला देखें, 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला, तो ये हो गया आपका -4, 2, -5 हो गया, तो यहां पर भी जेड क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है मतलब हम 5, 6, 7, 8 ऑक्टेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये एक्स आपका नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव यहां पर है, ये एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, दैट मीन्स कौन सा ऑक्टेंट होगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा ये सिक्स्थ ऑक्टेंट, तो यहाँ पे लिख लो 5, 6, 6 ऑक्टेंट के अंदर आपके ये कोऑर्डिनेट लाई करेंगे ठीक है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो सिक्स्थ वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाला, तो ये आपका यहाँ पर हो गया -4, 2, -5 हो गया, तो यहाँ पे जेड क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है, ये फाइव पॉजिटिव है ना, तो ये एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव मतलब इन चार में से कहीं पे होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कहीं होगा ठीक है। तो एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में होता है, और वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, तो सेकंड में होता है, यानी एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन से ऑक्टेंट में लाई करेंगे, तो सेकंड ऑक्टेंट में लाई करेंगे, ठीक है। माइनस प्लस प्लस, तो यहीं पे आ रहा है ना माइनस प्लस प्लस, तो ये आपका कौन सा ऑक्टेंट हो गया यहाँ पर, सेकेंड ऑक्टेंट, तो यहाँ पे लिख लो सेकेंड ऑक्टेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट देखो सेवेंथ वाला, तो सेवेंथ वाला आपका यहाँ पर है -3, -1, आपका 6 हो गया, और 8 भी यहाँ पे लिख रहा है, 8 आपका क्या है -2, -4, -7 हो गया, तो यहाँ पे z क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब हमें ऊपर वाले चार में देखना है। फिर नेगेटिव नेगेटिव, x भी नेगेटिव है यहाँ पर और y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव कहाँ आते हैं आपके, थर्ड ऑक्टेंट में आते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कौन सा ऑक्टेंट हो गया आपका यहाँ पर, थर्ड ऑक्टेंट हो गया ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फिर से आओ, ये एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव जेड भी नेगेटिव, तो पहले जेड नेगेटिव देखना, जेड नेगेटिव है मतलब कि 5, 6, 7, 8 ये चार ही ऑक्टेंट होंगे, तो यहाँ भी एक्स नेगेटिव है वाई नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो कौन सा ऑक्टेंट हुआ आपका, सेवेंथ, क्योंकि एक्स वाई को देखा दोनों माइनस है, दोनों माइनस सेवेंथ में होंगे, तो इसका मतलब आपका ये क्या हो गया 5, 6, 7 ये आपका हो गया सेवेंथ ऑक्टेंट के अंदर होंगे। तो कितना इजी है, कुछ ना याद रखना है ना कुछ करना है, सिंपल ट्रिक हमने यहाँ पे बना ली और उससे हमने सारे ऑक्टेंट देख लिए कि कहाँ कौन लाई करेगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक से, ये पूरी एक्सरसाइज जो आपकी 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए ही है ठीक है। तो द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टूगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज, तो इसने कहा कि अगर आप एक्स और वाई एक्सिस को एक साथ लेते हो तो कौन सा प्लेन बनेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन में समझाया था ना, उसी में समझा देती हूँ मैंने फिगर, यस यहाँ पे जब आप एक्स और वाई को साथ में लोगे, एक्स ले रहे हो और वाई ले रहे हो, तो इसके बीच का जो एरिया वो कौन सा प्लेन आ रहा है आपका यहाँ पर, एक्स वाई प्लेन आ रहा है, क्योंकि थ्री डी में क्या होता है, हर चीज जो होती है वो स्पेस में होती है, जैसे एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, चिड़िया हवा में उड़ रही है, तो वो उड़ रहा है ना, जब वो स्पेस के अंदर कोई बात होता है तो आपका थ्री डी की यहाँ पर बात होती है। तो ये आगे आपको कह रहा है कि एक्स और वाई ही यहाँ पर आ रहा है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया आपका यहाँ पर, एक्स वाई प्लेन हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर इसको प्लेन का नाम दे रहे हैं। तो द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टूगेदर डिटरमाइन अ प्लेन, अगर एक्स और वाई को साथ में लोगे तो वो कौन सा प्लेन होगा, तो आप लिखोगे एक्स वाई प्लेन होगा ठीक है, प्लेन की बात कर रहे हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर इस एक्स वाई प्लेन में आपके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मैंने अभी आपको बताया था जेड तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स तो होगा वाई होगा, लेकिन जेड आपका यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा, यही समझाया था ना अभी इस क्वेश्चन में, समझाया था ना मैंने आपको। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन की बात हो रही तो एक्स भी होगा वाई भी होगा लेकिन जेड नहीं होगा, जेड आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
कोऑर्डिनेट्स प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू हाउ मच ऑक्टेंट. अभी तो समझाया था ये टोटल कितने ऑक्टेंट होते हैं आपके, 8, चार ऊपर होंगे, ये आपके चार ऊपर वाले हो गए और ये चार आपके यहाँ पर नीचे वाले हो गए. तो टोटल कितने ऑक्टेंट हुए आपके यहाँ पर, 8 ऑक्टेंट हुए. हो गया आपका ये पूरा सॉल्व. कितना सिंपल इजी एक्सरसाइज थी. तो बस कुछ भी नहीं, बहुत इजी चैप्टर है. आपको 12.2 के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है जो आपने पहले से पढ़ा हुआ और सेम उसी के जैसा है. उसके बाद 12.3 में हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो भी आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, m1x2 + m2x1 वाला ना, तो वो इतना ईजी हो जाएगा. और ये सारे नोट्स के लिए आपको कहाँ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो आप maths.teacher.blog गूगल पे जाके सर्च करोगे तो वहां पे भी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे. थैंक यू.